हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अब्दुल, आप देख रहे हैं मलिक टेक। इस वीडियो में बात करेंगे HDFC के न्यू एप्लीकेशन के बारे में। न्यू एप्लीकेशन HDFC का क्रैश हो चुका है। अपने 27 नवंबर को अपने डिजिटल इनोवेटिव सबमिट में HDFC बैंक ने एक न्यू ऐप लॉन्च किया था अपने पुराने ऐप को हटाकर। तो ये ऐप जैसे ही प्ले स्टोर पर अपडेट हुआ उसके बाद से ही काम करना बंद कर चुका है। तो काफ़ी व्यूअर इससे परेशान है, तो कैसे इसका सॉल्यूशन लें? तो अभी तो फिलहाल कंपनी की तरफ से कोई सॉल्यूशन नहीं दिया गया, ऐप को भी प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। तो आप नेट बैंकिंग का यूज़ करके ही फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं या UPI का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई सॉल्यूशन फिक्स नहीं किया गया। इससे रिगार्डिंग मैंने ट्वीट भी किया था तो उसका भी रिप्लाई ही आया, कोई टाइम टेबल अभी नहीं है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपने अपना एप्लीकेशन अपडेट कर लिया है तो आप क्या करें, तो आप UPI का यूज़ कर सकते हैं। UPI आप गूगल पे के थ्रू, फ़ोनपे के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने गूगल क्रोम से खोल के गूगल क्रोम में जाकर डेस्कटॉप मोड ऑन करके आप फंड ट्रांसफ़र आसानी से वहां से कर सकते हैं नेट बैंकिंग से। तीसरा ऑप्शन है कि आप पुराने एप्लीकेशन को फिर से अपडेट करें। तो अपडेट तो आपको प्ले स्टोर से अब नहीं मिलेगा, तो वो एप्लीकेशन आप वैसे लोगों से ले सकते हैं जिनके पास पहला एप्लीकेशन है, जिन्होंने अभी तक अपना एप्लीकेशन अपडेट नहीं किया था। तो उससे आप APK फाइल के तौर पर अपना एप्लीकेशन ले सकते हैं और पुराना एप्लीकेशन को आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नए एप्लीकेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो कंपनी इस पर काम कर रही है, तो एक हफ्ते के अंदर विदिन ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो न्यू एप्लीकेशन कुछ न्यू इंटरफेस के साथ आया है, तो समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो कंपनी उसी पे काम कर रही है। तो पुराने एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए सिंपली आपको अपने फ्रेंड या रिलेटिव से किसी से भी अपना पुराना एप्लीकेशन जेंडर के थ्रू, गूगल फाइल के थ्रू या शेयर इट के थ्रू ले सकते हैं, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं इजिली। थर्ड ऑप्शन आपके पास है इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। इसके रिगार्डिंग मैंने ट्वीट किया था, तो ट्वीट में जवाब दिया गया है, देख सकते हैं। तो ट्वीट में देख सकते हैं यही जवाब दिया जा रहा है, सबको एक ही जवाब दिया जा रहा है। आप मोबाइल बैंकिंग यूज़ नहीं कर पा रहे तो नेट बैंकिंग पेज ऐप या फ़ोन बैंकिंग या मिस कॉल फैसिलिटीज़ का यूज़ करके फिलहाल काम चलाइए। फंड ट्रांसफ़र के लिए आपको नेट बैंकिंग ही यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आप पुराना एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। पुराना एप्लीकेशन अभी वर्क कर रहा है लेकिन प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। इसलिए रिमूव कर दिया गया क्योंकि अगला कोई न्यू यूज़र उसे अपडेट करके फिर प्रॉब्लम में ना आए, इसलिए फिलहाल टेम्प्रोरी हटा दिया गया है। वो फिर बैक हो जाएगा, जब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा तो ये फिर से प्ले स्टोर पर आ जाएगा। वैसे पुराने HDFC एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, कंपनी ने क्यों इसे अपडेट किया पता नहीं, लेकिन जो भी हो कुछ अच्छा ही किया जाएगा, क्योंकि कंपनी के बहुत से भरोसेमंद कस्टमर हैं। HDFC बैंक के नंबर 1 प्राइवेट बैंक है इंडिया में। उम्मीद है कि जल्द से जल्द न्यू इंटरफेस के साथ नया एप्लीकेशन आएगा। न्यू एप्लीकेशन समझने के लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं जैसे ही अपडेट आता है न्यू एप्लीकेशन का फिक्स होने के बाद, तो मैं आप इस पर वीडियो बनाऊंगा कैसे आपको फंड ट्रांसफ़र करना है, कैसे बेनिफिशियरी ऐड करना है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है। पहले ही मैंने डाउनलोड किया था, खोल कर देखा था, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने उसे एनालाइज किया है। उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो बनाऊंगा अगर एप्लीकेशन फिर से कमबैक होता है, क्योंकि अभी तक खुल नहीं रहा, यही मैसेज दिख रहा है सभी को, ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक। तो इस पर काम चल रहा है कंपनी की तरफ से, जल्द से जल्द, कोई डेट नहीं दिया गया है लेकिन जल्द से जल्द इसे सॉल्यूशन दिया जाएगा within 1 week के अंदर। तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, आप बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल पर आपको बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आप चाहें तो HDFC का पिन सेट करना नहीं जानते तो वो भी कर सकते हैं, कैसे घर बैठे ही अपना HDFC का पिन सेट करना है या फिर क्रेडिट कार्ड का पिन सेट करना है, इस पर वीडियो बना रखा। अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Rising up like a phoenix, been tired of pushed and a ground.